हेलो दोस्तों, अभी मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में लगभग मॉल हमारी शूटिंग जो चल रही थी वो सब अभी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया है। तो आज मैं बाहर जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि मुंबई मुंबई पे कोरोना वायरस का क्या इफेक्ट है, कि सच में इतना लोग कम हो गए हैं या भीड़ भाड़ कम हो गई है या ये जस्ट न्यूज़ में ये चल रहा है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ बाहर, मुझे थोड़ा काम भी है, दोस्तों से भी मिलना, देखते हैं कितना क्या असर है मुंबई पे कोरोना वायरस का। कोरोना के चक्कर में मुंबई में मॉल वॉल सब बंद पड़े हैं और ये लगभग 31 तारीख तक बंद रहेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ, बात करते हैं कि कब तक बंद है। आइए, क्या भैया ये मॉल कब तक बंद रहेगा अपना? 1 तारीख तक बता रहा है। 1 तारीख तक है और सिनेमा विनेमा सब बंद है ना अभी? अभी बंद है। सब बंद है तो आप देख सकते हैं 31 तारीख तक के लिए सब बंद हो गया। मुंबई में से बंद होता नहीं है एकदम से, बट अभी बंद है। अभी जोमेटो वालों से पूछते हैं। क्या भाई, हाय, कितना फर्क पड़ रहा है यार ये कोरोना वोरोना के चक्कर में अपने? बहुत फर्क पड़ रहा है, मतलब लोग ऑर्डर कम कर रहे हैं, ऑर्डर कम काफ़ी कम कर रहे हैं। तो देखिए हर चीज़ पे इसका कोरोना का फर्क है। मुंबई के लिए कहते हैं कि मुंबई रुकता नहीं है, बट एक तरह कैसे धीरे 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 रुकने लग गया है। अभी ये 15 दिन काफ़ी क्रूशल है। फिर से कौन हुआ? ये यहाँ का सबसे बिजी मॉल है इन्फिनिटी मॉल, जो अभी बंद पड़ा है। कब तक है ये बंद, कब तक रहेगा? साउंड तो डाला नहीं, ऐसे आ जाएगा। 31 तक बंद रहेगा, अंदर सब बंद है, कैफे भी बंद है क्या? बाजार खुला है तो देखते हैं। बाकी ये यहाँ का सबसे बिजी है, बिजी मॉल है इन्फिनिटी मॉल। तो एकदम से शट डाउन है मॉल और थिएटर तो ऑलमोस्ट शट डाउन है। बाकी रोड वोड पे सब लोग आप देखेंगे तो कि रोड अभी भी चालू है, लोग अभी भी आना जाना कर रहे हैं। अमूमन जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ है नहीं, तो आप दिखा दीजिए। रोड जितनी आप देखेंगे लोग अभी भी आना जाना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से पैनिक है। आप लोग अभी भी आना जाना कर रहे हैं, हालांकि दोपहर का टाइम है, शाम के टाइम पे बहुत भीड़ हो जाती है जब ऑफिस वगैरह छुट जाते हैं। चलते हैं नई जगह। बंद है यार इधर धीरे धीरे पूरा बंद पड़ा। पूरा देखिए खाली पड़ा है मॉल, स्टारबक्स भी बंद है। तो अभी हम आए हैं, हमारे मित्र हैं, क्या नाम ये है, शरण तिवारी जी का हमारा घर है। ये जिन्होंने मुंह छुपाया ये हमारे कैमरामैन थे आज और ये हैं हमारे शरण तिवारी जो
बालवीर अगर आप देखते हैं तो बालवीर में ही आते हैं। आज इन्होंने क्या बनाया है सर? राइस और फ्राइड चना दाल। तो कोरोना के डर से इनका सबका हमारा धंधा मंदा है और हम सब बैठे हुए हैं घर में। हाय, हाउ आर यू ऑल। इनकी भी शूटिंग बंद है अभी और ये जो मुंह छुपा रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं आज मुंह। ये बड़े काम के लिए बने, ये छोटा काम में मुंह नहीं दिखाएंगे अपना। तो इन्होंने कहा था मैं कैमरे पे आना पसंद नहीं करता, आता हूँ मैं बट ऐसे छोटे कैमरों में, मतलब कैमरा छोटा नहीं है। तो अभी हम निकलेंगे, देखते हैं। अभी हम दोस्त के यहाँ आ गए थे तो अभी यहाँ से हम किसी चौपाटी, जुहू चौपाटी या कोई बीच पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ क्या कोरोना की वजह से लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या फ़र्क है। हम आए हैं, हमारे मित्र हैं, क्या नाम ये है, सरन तिवारी जी का हमारा घर है। ये जिन्होंने मुँह छुपाया ये हमारे कैमरामैन थे आज। और ये हैं हमारे सरन तिवारी जो बालवीर अगर आप देखते हैं तो बालवीर में ही आते हैं। आज इन्होंने क्या बनाया है सर? राइस और फ्राइड चना दाल। तो कोरोना के डर से इनका सबका हमारा धंधा मंदा है और हम सब बैठे हुए हैं घर में। हाय, हाउ यू ऑल। इनकी भी शूटिंग बंद है अभी और ये जो मुंह छुपा रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं आज मुंह। ये बड़े काम के लिए बने, ये छोटा काम में मुंह नहीं दिखाएंगे अपना। तो इन्होंने कहा था मैं कैमरे पे आना पसंद नहीं करता, आता हूँ मैं बट ऐसे छोटे कैमरों में, मतलब कैमरा छोटा नहीं है। तो अभी हम निकलेंगे, देखते हैं। अभी हम दोस्त के यहाँ आ गए थे तो अभी यहाँ से हम किसी चौपाटी, जुहू चौपाटी या कोई बीच पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ क्या कोरोना की वजह से लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या फ़र्क है। फ़ोन कर दे पहले मित्र के घर पे। कोरोना का तो पता नहीं है बट भूख लगी हुई थी और हमारे तिवारी जी के हाथ का खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो किस्मत दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कि आप देख सकते हैं, ये दाल चावल खा रहे हैं। इनको जरूर बोलना है। वाह, थोड़ा नींबू देना भाई। और ये तिवारी जी भी आ गए। गजब। फिर से बताइए कैसा लगा आपको ये खाना। गजब भाई गजब। इधर देखिए, बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ क्या एक्टिंग कर रहे हैं ये, कहीं ढाबा वाबा डाल लें, अच्छा चलेगा इनका ढाबा। तिवारी जी जरा फ्रेम में आइए एक मिनट। इनका काम के लिए बोला था हमने पहले भी, कितना अच्छा खाना बनाते हो। दूध डाल ले। हाँ, और ये सरन तिवारी नींबू डालते हुए। मेरी हालत ख़राब हो गई थी भूख से, अभी अच्छा है कि वही दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो दोस्तों ये है वर्सोवा बीच। अभी लगभग क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम हो गया है 5:30 और आप देखिए लगभग खाली पड़ा है, मतलब यहाँ पे भी अभी लोग इतने आए नहीं हैं। कुछ औरतें हैं तो सबने मुंह ढके हुए हैं, वो क्या बोलते हैं उनका जो पल्लू है उसी से उन्होंने मास्क बना लिया है जो आप दिखाएंगे अभी। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर पता नहीं लाइट कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो वही है कि खाली है शायद, असर तो है इतना नहीं है बट असर है। जैसे लड़के खेल रहे हैं वहाँ पे, जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि भीड़ लगाना हालांकि मना है मुंबई में, जो मेरे घर से फ़ोन आया था मैंने पढ़ा नहीं, हालांकि 144 लगा हुआ है यहाँ पे, बट ऐसा जैसा दिख नहीं रहा कि 144 है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई सब बैठे हैं लोग यहाँ पे, और एकदम खाली तो अभी नहीं हुआ है, बाकी आने वाला वीक बताएगा अभी। ये है देखिए, ब्यूटीफुल, काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है वर्सोवा बीच। और मॉल आपने देखे, थिएटर मैंने आपको बताया, वो सारे बंद हैं अभी यहाँ पर मुंबई में। बीच भी ऑलमोस्ट खाली है, जिस हिसाब से भीड़ रहती है उतनी भीड़ है नहीं।